चाइना को टक्कर देने के लिए महिला शक्ति चाइना का बहिष्कार करेगी, चाइना के सामान का बहिष्कार करेगी और जो भी सब चीज में हम अपने देश का बदला लेंगे तो हमारे जो इतने सैनिक मारे गए हैं हम उसके बदले के लिए तैयार हैं। हम मोदी जी के साथ हैं, साथ में और साथ रहेंगे। हम चीन को टक्कर देंगे। अगर हमें इजाजत मिलती है बॉर्डर पे आने की तो हम बॉर्डर पे आने भी आने से पीछे निकलने वाले आगे आने वाले आगे। हम लोग जो है चाइना का सारा सामान बहिष्कार करना चाह रहे हैं। ये जो एप्स वगैरह चल रहे हैं, फोन चल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये भी बंद हो, ये बंद चाह रहे हो। हम इस वक्त सारी की सारी जो लेडीज है पूरी की पूरी हम सीमा पे भी जाने को तैयार हैं। इस वक्त चाइना का हर तरह से बहिष्कार कर रहे इसका बहिष्कार करेंगे, घर घर जाके बहिष्कार करेंगे। तो आपने किस चीज से शुरुआत की है? हम लोग ने अभी तो फिलहाल टीवी से और अपने घर के सामानों से और उसके बाद जो टिकटॉक चल रहा है ये जो इसका बिल्कुल डिलीट कर रहे हैं और लोगों को भी करवा रहे हैं। हमारा ये कहना है जो चीन के फौजियों ने हमारे गलवान घाटी में हमारी सेना को मारा है वो बहुत कायरतापूर्ण है, निंदापूर्ण है। हम समाज पूरे हिंदू समाज इसकी पूरी भारतवर्ष निंदा करता है और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि चीन सरकार को जो भी इन्होंने टेंडर ले रखे हैं उनको कैंसिल किया जाए और व्यापारी भाइयों से हम ये कहते हैं कि चीन का माल ना खरीदे ना बेचे और ये चीन को सबक मिलेगा। एक बार यदि चीन का माल बिकना बंद हो गया तो चीन को नीचे गिरेगा। ये दो दिन पूर्व जो गलवान घाटी के अंदर चीन ने कायरतापूर्ण हरकत करके भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया उसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए उसका विरोध आज हिंदू समाज के नौजवानों में दिखाई दे रहा है। जगह जगह चीन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज पलवल के युवाओं के अंदर भी रोष है, वह प्रदर्शन हम सब लोग चीन के विरोध में कर रहे हैं। लोगों से क्या आह्वान किया जा रहा है? हम सब लोगों से यह आह्वान करते हैं कि चीन जो हमारा दुश्मन है लगातार कई वर्षों से हमारी सीमाओं में घुसता आ रहा है उस चीन का बायकॉट किया जाए, उसकी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। साथ ही सरकार को भी हम यह आग्रह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि चीन के साथ जो भी टेंडर सरकार ने साइन किए हुए हैं, जो एग्रीमेंट किए हैं उन्हें बर्खास्त करें। चीन को जो निर्माण के ठेके दे रखे हैं उनको बर्खास्त करें, चीनी बैंकों को बर्खास्त करें और चीन से किसी भी प्रकार का संबंध जो है उसे विच्छेद किया जाए और चीन को सबक सिखाया जाए।